नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, आज शनिवार को दिल्ली में होगी संयुक्त कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। वन विभाग की एनओसी और क्लियरेंस संबंधी मुद्दों से कराया अवगत। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान, पार्टी की गुटबाजी पर जताई चिंता, कहा कांग्रेस को सोच और नीति में बदलाव की जरूरत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ली अधिकारियों की बैठक, मॉनसून सीजन के लिए तैयार रहने के सख्त निर्देश, बिना अप्रूवल काम करने पर कार्रवाई का दिया संकेत। चमोली में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, अवैध रूप से पैदा की जा रही भांग को किया नष्ट, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अब ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को दिल्ली के उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे, तो वहीं शनिवार को विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भेंट भी कर सकते हैं। राजधानी देहरादून में सरकारी कर्मचारियों के 10 बजे ऑफिस पहुंचने के आदेश के सवाल पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कहा समय की बहुत महत्वता है, तय समय सीमा के जो भी मापदंड होते हैं उस पर काम करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय श्रम सेवायोजन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, तो वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग के सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने आगामी मॉनसून सीजन को लेकर विभाग की तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया और साथ ही साथ चार धाम यात्रा के तहत आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए। केदारनाथ बद्रीनाथ में पहली पूजा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से कराई जाएगी और देश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राज्य भी आगे बढ़े, तो निश्चित रूप में पहली पूजा उनके नाम से कराई जाएगी। उसके साथ साथ निमंत्रण भी उनको दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सूचना होगी कब वो हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं और कब वो हमारे तीर्थों को वहाँ पर तीर्थाटन करेंगे। तो उनका जो स्वप्न है, वो उनका जो प्लान है पूरा केदारनाथ का और बद्रीनाथ का, वो पूरा हो रहा है, उसमें हम सब लगे हुए हैं और हमने आदेश दे दिए हैं कि भाई मार्गों को चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो लैंडस्लाइड होती है उसको भी रोका जाए, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है हल्की स्पीड से नीचे गिरता है और जब नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और गोली की तरह वो लगता है, टकराता है, तो उसमें भी हमने हिदायत दी है कि एवलांचेस को रोका जाए
और जहाँ पर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है तो लोग खड़े रहते हैं, तो हमने कहा कि पानी भी, दूध भी बच्चों के लिए, स्वल्प जो है भोजन और फलाहार भी जो है आप उपलब्ध कराएं, तो डीएम को भी ये आदेश दिए गए। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की गुटबाजी पर चिंता जताई है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही साथ आपसी गुटबाजी पर भी फोड़ा। गुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने काम करने का तरीका, सोच और नीति में बदलाव करेगी तो भविष्य में सत्ता पर फिर से काबिज होगी। प्रदेश कांग्रेस की जो अपनी नीतियां हैं, जो सोच है, जो काम करने का तरीका है, वो सब कुछ जनता समझेगी तो भविष्य में सत्ता में कांग्रेस आएगी। और अभी ऐसा नहीं है कि चुनाव हम हार गए हैं तो हम खत्म हो गए हैं, कांग्रेस मजबूत के साथ उभरेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सीरियस मोड पे जाएगी? निश्चित रूप से उपचुनाव को हम जीत के रणनीति बना करके लड़ने का प्रयास करेंगे और वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तो उसकी तैयारी भी कर रहा है। और इस समय तो सारे हमारे प्रदेश के वर्कर भी खाली हाथ बैठे हैं और नेता भी बैठे हुए हैं, सबकी ड्यूटियां लगेंगी, सब जाएंगे और अच्छा कैंडिडेट का चयन नेतृत्व कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया है। तो मुझे तो ये विश्वास है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो रही है वो इस संभावत में भी देखने को आपको मिलेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काशीपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार रहे दीपक बाली को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। आपके नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस उम्मीद पर वो पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का कार्यकर्ता कभी भागता नहीं है, वो जीतता है और सीखता है। स्थिति में हमेशा रहती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना है। तो आज पद के लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने राज्य के नेताओं को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और अब प्रदेश की टीम बहुत जल्द से जल्द हम घोषित करके उसके बाद राज्य स्तरीय और विधानसभा स्तरीय सारे संगठन को प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं को एक माला में कैसे पुरोएंगे और कैसे संगठन खड़ा करेंगे, ये बड़ी चुनौती रहेगी? नहीं, सब मिलकर खड़ा करेंगे संगठन। देखिए ठीक है, अध्यक्ष एक पद है लेकिन कोई भी काम मिलजुल कर होता है। तो बहुत सारे हमारे प्रदेश के नेता हैं जो मिलकर संगठन को साथ में खड़ा करेंगे और हर चुनौती को हम लोग आपस में मिलजुल कर सामना करेंगे। तो वे नैनीताल में हर 3 महीने में रोजगार को लेकर होने वाली बैठक में जिले के कई विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नैनीताल जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि रोजगार को लेकर प्रशासन को शासन से आवश्यक निर्देश मिले हैं जिसमें युवाओं को रोजगार से अधिक लाभ देने के लिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और साथ में जिले में 3 करोड़ की सब्सिडी राशि के लिए उन्हें आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसे लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। नहीं आए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि इस मीटिंग में ये 3 महीने में एक बार होती है, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मैटर्स है, शासन के लगातार हमारे निर्देश आ रहे हैं, हमारे पास मिलते रहते हैं सभी डिस्ट्रिक्स को कि जो रोजगार से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं उनको प्राथमिकता देनी है और उद्योग बंधु जो भी अपनी बात रखते हैं उसको बड़े सीरियसली हमें लेना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो भी सुविधाएं हमें चाहिए तो उनको हम सीरियसली उपलब्ध करा पाएं। तो अल्बर्टा में जिला पंचायत की बैठक पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट की अध्यक्षता में
आयोजित की गई। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में पंचायत सदस्य सहित विधायक और जनपद के अधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में राशन कार्डों में गड़बड़ी, सड़क, बिजली और शिक्षा को लेकर सदस्यों ने हंगामा भी किया। सभी का कहना है कि योजना का लाभ 2 साल से नहीं मिल रहा और सरकार कोरोना के नाम पर कटौती करने में लगी है। बजट जो है कोरोना के नाम पे हमारे को हर बार कम दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि कोरोना में खर्चा हो रहा है तो हर विभाग से हम कटौती कर रहे हैं, और उसी नाते ये कहते हैं कि आपके जिला पंचायत से भी हमने कम किया है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड तो यही है, जैसे पहले हर बार 5-10% बढ़ के आया करता था हर साल, ये नियम था कि जिला पंचायत का बजट जो है हर बार 10% बढ़ के आएगा, वो नियम हो। और दूसरा, जो हमारे को जिला योजना का पैसा 2 साल से नहीं मिला, इस बार हम चाहेंगे कि सारा का सारा जिला योजना का पैसा हमारे मेंबर्स को दिया जाए। तो वही चमोली के थराली में नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व रेगुलर पुलिस ने थराली ब्लॉक के पारथा एवं देवाल ब्लॉक के बबोटिया गांव में करीब 10 नाली भूमि पर अवैध रूप से पैदा की जा रही भांग की खेती को नष्ट कर दिया और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर आगे भी इसी प्रकार से नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस अभियान में उनके साथ प्रभारी तहसीलदार प्रमोद नेगी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार, थानाध्यक्ष ब्रजमोहन राणा और राजस्व उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। और पारथा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें राजस्व पुलिस भी थी एंड रेगुलर पुलिस भी थी, और इसमें हमने लगभग 10 नाली के करीब जो है भांग की खेती को जो है नष्ट करा गया है। और बाकी जो है जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय के बिल्कुल साफ निर्देश हैं, नशे के विरुद्ध जो है जीरो टॉलरेंस है एंड ऐसे अभियान जो भविष्य में भी चलाते जाएंगे और जहां पर भी इस तरह की चीजें पाई जाएंगी उनको तुरंत जो है विधिवत मुकदमे दर्ज करे जाएंगे। तो वही कोटद्वार के महाराजा वेडिंग प्वाइंट में महिला और बाल कल्याण संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि अध्यक्ष अनुकृति गोसाई और कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वरोजगार पर ध्यान देने की जरूरत बताई। आयोजन में कई महिलाएं शामिल हुई। अनुकृति गुसाई ने कहा कि महिला उत्थान और बाल कल्याण संस्थान हमेशा से ये प्रयास करता है कि प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के लिए हम कोई ना कोई विकास के कार्य करते रहे। संस्थान हमेशा से कोशिश करता है कि प्रदेश के अंदर हम अपनी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए निरंतर रूप से कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं, और क्योंकि कोटद्वार हमारी कर्म भूमि भी है जहाँ से हमने अपनी संस्थान की शुरुआत करी, और बहुत सी महिलाएं, बहुत से युवा जो कोटद्वार के अंदर हमारी संस्था से जुड़े हैं और संस्था से लगातार रूप से काम करते जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से हम युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए प्रदेश के अंदर पौड़ी जिले, क्योंकि विशेषकर क्योंकि मैं खुद पौड़ी से हूँ और कोटद्वार से विशेष रिश्ता रखती हूँ, तो मेरी निरंतर कोशिश रहेगी कि पौड़ी और कोटद्वार से जो मेरा ये रिश्ता है ये हमेशा बना रहे, और हमारी जो महिलाएं हैं, जो संस्था की महिलाएं हैं, जो युवा इस प्रदेश के अंदर है, कोटद्वार के अंदर है, उनके लिए संस्थान किस तरीके से काम कर सकता है उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। तो वही देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। आपको बता दें कि कोरोना ने लोगों की जिंदगियों में एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। अगर बात की जाए धर्मनगरी हरिद्वार की तो लोग लापरवाही से बिना मास्क लगाए गंगा घाटों पर घूम रहे हैं, या ना तो लोग बाग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी नियम और कानून को एक बार फिर से लागू किया गया है। आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में बिना मास्क निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अ
आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हर की पैड़ी पर माँ गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में या हर की पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध लोग ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे। तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है और स्थानीय पुलिस को यह रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद ही उनकी जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित करें कि दोबारा वहां अतिक्रमण न हो। खबर राजधानी देहरादून से है जहां सर्वाधिक भीड़ वाले बाजारों में आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बाजारों में घूम रहे हैं लेकिन प्रशासन कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो वही पलटन बाजार के व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी वर्ग की तरफ से कोविड नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है लेकिन प्रशासन की ओर से सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा। बता दें कि डॉक्टर भी लोगों को सचेत कर रहे हैं। दोबारा से आने आ रहा है इसलिए पहले की तरह ही इसमें एक तो हम डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं जैसे पहले करते थे। उसी तरह से सब प्रिकॉशन तो वही लेने पड़ेंगे क्योंकि सेम प्रॉब्लम है ये। इन सब का ध्यान रखते हुए और वैक्सीनेशन जिस किसी का नहीं हुआ है उसका वैक्सीनेशन जरूर करा लें क्योंकि हम जो तीसरी लहर में बच पाए वो वैक्सीनेशन की वजह से ही बच पाए हैं। अब जो कोविड के विषय में जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि हमसे कोई भूल हो रही है शासन प्रशासन से व्यापारी वर्ग से जो ये कोरोना बार बार पलटकर हम पर वार कर रहा है। हम पिछली बार भी सचेत हुए थे और अनहोनी हो गई थी लेकिन अब की बार हमारा व्यापारी भाई कोई नहीं चाहेगा कि बाजार बंद हो, इसलिए हम पहले से तैयार हैं इसके लिए कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जो भी मतलब कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए नियम फॉलो किए जाएंगे हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। देखिए जैसा मौसम में आपने देखा गर्मी बढ़ गई है तो कोरोना की भी आहट जो है होने लगी है। हम रोज़ देख रहे हैं कि 2-4-10 आदमी कोरोना के बढ़ ही रहे हैं तो अब हमारे व्यापारियों की तरफ से सभी जो है जितने भी व्यापारी लोग हैं हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पर सख्त जो है कार्रवाई करे और जैसे उन्होंने किया है कि 500 रुपये का चालान और 1000 रुपये का चालान वो ऐसे नहीं है कि बोलने से होगा, वो करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो है अगर आएंगे नहीं आप देखो मैक्सिमम लोग जो है बगैर मास्क के घूम रहे हैं तो इससे बीमारी फैलेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो जो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग चालान करेंगे मगर चालान जो है वो मार्केट में नहीं आ रहे तो अगर यही हालात रहेंगे तो ये फिर कोरोना कहीं ऐसा ना हो कि अपना भयावह रूप ले ले। तो हम लोग व्यापारी लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मास्क और सैनिटाइज़र हम लोग दुकानों पर रख रहे हैं जिससे क्या है जो भी कस्टमर आ रहा है तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई सैनिटाइज का उपयोग करो और मास्क का प्रयोग करो मगर क्या है कि गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जैसी स्थिति चल रही है अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वही लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाए। देखिए जब से ये सुनने को मिला है कि कोविड दोबारा से अपने पैर पसार रहा है तो सबसे पहले तो हम व्यापारियों ने जो है अपनी कमर कस ली है। हमने दुकानों पर सैनिटाइज़र, जो कस्टमर बिना मास्क के आता है उसे सामान नहीं देने के हैं, खुद हम लोग मास्क लगा के बैठते हैं दुकान पे और थोड़ा सा व्यापारियों के तरफ प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है तो व्यापारी को अभी से कमर कस लेनी चाहिए और प्रशासन को भी अभी से कमर कस लेनी चाहिए। प्रशासन को बाज़ारों के अंदर अपनी टीमें गठित करनी चाहिए जिससे जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं जो उन पर चलान है वो होना चाहिए, बेफालतू की भीड़ ना लगाई जाए। इस चीज़ को अगर अभी से ध्यान रखेंगे तो शायद दोबारा से उस परिस्थितियों में देश नहीं पहुंचेगा जिस परिस्थितियों में हमने जो है 2020 और 2021 देखा। तो ये पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर गुड़मंडी में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन पर 3,51,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आदित्य राणा ने इस मामले में बैंक उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ साथ मंगलौर कोतवाली प्रभारी को भी एप्लीकेशन देकर अवगत कराया और मामले की जांच की मांग की है।
राणा का आरोप है कि उनका इंडियन ओवरसीज बैंक की मंगलौर शाखा में पिछले कई सालों से करंट अकाउंट है और उनके अकाउंट से लाखों रुपयों का लेन देन होता है, पर इसी बीच बैंक ने उनके खाते से 3,51,000 रुपए टीडीएस के नाम पर काट लिए। बाकी काफी समय गुजर जाने के बाद उनके खाते में रकम नहीं लौटी, जिसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों के साथ साथ मंगलौर कोतवाल राजीव राठौर को भी अवगत कराया। मैं यहाँ पे जो है 2017 से अकाउंट है और उस अकाउंट में ही मेरा सब लेन देन चलता है, करंट अकाउंट है। पिछले एक महीने के अंदर मेरे अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है वो आईओबी बैंक ने काट लिया है टीडीएस के नाम पे। ना मेरे को कोई इस चीज की जानकारी नोटिस दिया जा रहा है, ना मेरे को बताया जा रहा है कि किस लिए मेरे से डेबिट कार्ड अकाउंट में से निकाले जा रहे हैं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, एक महीने से मैं चक्कर काटता हुआ थक गया हूँ इस बैंक के। बैंक का मैनेजर छुट्टी पे है, वो मोबाइल फोन नहीं उठा रहे हैं और आज मुझे मजबूरी वजह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ मंगलौर कोतवाली में और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां नगला इमरती गांव की नंदा कॉलोनी में आपको जानकारी के लिए बता दें कि रिटायर्ड फौजी का परिवार कुछ ही मिनटों में सड़कों पर आ गया। दरअसल किसी अवैध मकान या फिर किसी स्थान को कब्जा मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। बकायदा प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी आदेशों की पालना के लिए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाते हैं, लेकिन नगला इमरती गांव में रिहायशी मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने के दौरान पूरा मामला कुछ उल्टा नजर आया। इस दौरान कोई अधिकारी न्यायालय के आदेश की पालना के लिए मौजूद ही नहीं रहा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या परिस्थितियां वहां पे रही होंगी उसकी रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास कानूनी मौके की स्थितियों के हिसाब से और जो डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है किन परिस्थितियों में मकान को तोड़ा गया है उसकी जांच करके वो हमें देंगे। तो अभी तो जांच का एक हिस्सा है और संभवतः कल तक हमें रिपोर्ट क्लियर मिल जाएगी। क्या हुआ था जी? हम थे नहीं इधर, हम डॉक्टर के लिए जा रखे थे, इन सारा मारे सारे डंगर खोल के भगा दिए। कितने डंगर थे जी? जी 8 गाय थी और 5-6 भैंस थी, 10-15 डंगर थे हमारे सारे। किन लोगों ने भगाए? जिसने मकान तोड़े उनने भगाए। एक तो डॉक्टर था, एक कप्तान था, एक बिटी पलराल कविता थी, कई आदमी थे जी, उनने सारे 15-20 आदमी खड़े थे, सब ने डंगर भगा दिए हमारे सारे हैं। और मेरा सारा सामान डूब गया, कूलर टीवी फ्रिज बेड मेरे बक्से पाड़ कर सारा सामान निकाल लिया, कि नहीं पता कहाँ गए जेवर भी थे और इसमें माला भी थी, मेरे पैसे की 10 माला थी, मेरे बच्चे के लड़ शादी की सारा सामान उसका मैं था सारा बाहर काट के फेंक दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।